सबको जोहार। आज हम लोग 30 जून एक बहुत ही विशेष दिवस जो संथाल परगना के संपूर्ण रीजन के लिए है, क्षेत्र के लिए है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ये 145 साल पहले हुई एक घटना की यादगारी में आज भी पूरे संथाल परगना और जहाँ भी आदिवासी समुदाय हैं इस दिन को अपने अपने तरह से याद करने की कोशिश करते हैं। और याद हम किस चीज़ को करते हैं? एक हुल को, जो कि अंग्रेज़ों के विरोध में और उनकी बनाई हुई जमींदारी प्रथा के कारण जो उत्पीड़न यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के ऊपर था, उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई गई। मुझे बतलाया गया है कि सिद्धू कान्हू मुर्मू की बहनों फूलो जानो के को जो जमींदारों ने परेशान करने की कोशिश की थी और उसने अपने भाइयों से बतलाया, तभी इसका इस बात का सृजन हुआ था, ऐसा मुझे बतलाया गया है। परंतु इसका मतलब ये होता है कि समाज के किसी विशिष्ट वर्ग को नहीं, परंतु व्यक्तियों को उत्पीड़ित करने की कोशिश किया गया था और उसके फलस्वरूप ये पूरा हुल जो विद्रोह हुआ वो होने पाया। और वो ऐसा विकृत रूप भी हो गया कि हमारे जो मार्तिर हुए सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, उनको फांसी भी चढ़ाया गया। और इसके बाद इसके फलस्वरूप ये सोचा गया कि ये हुल दब जाएगा, पर नहीं, और उसका रूप बदलता गया। और आज हम लोग इस विशेष दिन को जब याद करते हैं तो हमारे लिए ये सोचने का विषय है कि आज हमारे सामने कौन कौन से विषय हैं जिसके लिए फिर से हुल की आत्मा आनी चाहिए। और शिक्षा के जगत से आने के कारण मैं एक दो बातों को बोलना चाहूँगी कि विशेष करके युवा वर्ग और हम लोग जो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, सब के लिए एक जिम्मेदारी है और युवा वर्ग के लिए एक हक की बात को जानने की बात है, अवेयरनेस की आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में और विशेष करके संथाल परगना के क्षेत्र में जो शिक्षा और गुणवत्ता की शिक्षा है वो कितने प्रतिशत जगहों में अभी उपलब्ध है, और नहीं है तो उसके लिए एक्सेस की जो आवश्यकता है उसके लिए डिमांड करना है, वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है, पर उसकी आवश्यकता के लिए डिमांड करना है। और जो जो कि प्रशासन, राज्य के प्रशासन है, जिस प्रकार की शिक्षा शहरों में दी जाती है उसी प्रकार की शिक्षा पूरे संथाल परगना में स्कूल से लेकर कॉलेज तक होने चाहिए, और कहीं भी गुणवत्ता में कहीं भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं हो सकता। एक जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अनुसार गुणवत्ता के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है। केवल प्राइमरी स्कूल जाकर न्यूट्रिशियस खाना खाने की बात नहीं है, पर न्यूट्रिशन से तो हेल्थ बनेगा, परंतु हेल्थ बनाकर उस शिक्षा को भी ग्रहण करना है जिससे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात है कि शिक्षा अगर ग्रहण कर लेते हैं तो जो जगह हमारे संविधान के तहत 7.5% जगह, सब जगह पूरे देश में जो शिक्षित लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के तहत, रोजगारी के तहत, नौकरी के तौर में उपलब्ध है, उस वो भी एक हक है। और इसलिए मैं बात करना चाहूँगी हुल के इस अवसर में कि हमारे हक, आदिवासियों के हक, एक एक बच्चा का हक, एक एक जवान का हक, एक औरत का हक और एक बुजुर्ग का हक, हमारे क्या क्या हक हैं उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और उस हक को जानकर उसको अपने लिए पाना है। और इसलिए जो मैं कभी कभी बोलती हूँ, जो हमारा राइटफुल शेयर, जो हमारे हक का हिस्सा है, उसको पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करना जरूरी है। शिक्षा ग्रहण करके, गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण करके और नौकरियों के लिए अप्लाई करके, और नौकरी नहीं मिलती है और किसी कारण से, और जिसमें जो भ्रष्टाचार या किसी और इस तरह के कारणों से अगर डिनाई किया जाता है
तो उस समय आवाज़ उठाकर उसको उस हक को लेना जरूरी है। और तीसरी बात, जो आदिवासियों के प्रति जमानों से चली आ रही बात है वो है हर एक मनुष्य की जो डिग्निटी है, इज्जत है, वो बराबर का है। किसी दो प्रकार के व्यक्ति के अलग अलग इज्जत नहीं होती, हर व्यक्ति की बराबर का इज्जत है। और वो इज्जत भरी जिंदगी का अधिकार हर आदिवासी को उतना ही है जितना एक गैर आदिवासी का है, किसी दिक्कू का है। और इसलिए किसी और का और हमारी इज्जत में कोई ऊपर नीच नहीं, ऊंच नीच नहीं हो सकती। और इसलिए जो इज्जत की जिंदगी है और बराबर की इज्जत की जिंदगी है, वो एक हक है। और इसलिए हमारे किसी भी कल्चरल एस्पेक्ट को, भाषा को ही ले लीजिए, चाहे हमारी संस्कृति के तहत नाच गान को देखिए, चाहे हमारे पहरावे को देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर इज्जत को कम और ज़्यादा करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान हर एक को बराबर का अधिकार देता है। और इसलिए हमारे नॉलेज सिस्टम के तहत जो अच्छी बातें हैं जिनको शायद बाहर की दुनिया नहीं जानती है, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में रिसर्च के माध्यम से, जिस प्रकार से बोलते हैं कि साइंटिफिक टेंपर के मेथड से निकाले गए हमारे जो सेलियंट फीचर्स हैं, भाषा की अच्छाइयाँ, संस्कृति की बातें, हमारे संसाधनों को संजोकर और उसको रिसोर्सेस के जो हम बोलते हैं सस्टेनेबल सिस्टम है, उसके बारे सामने लाकर शिक्षा के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से सामने लाकर हमें उस डिग्निटी को क्लेम करने का भी के लिए भी हुल के दिवस में मैं उस आत्मा को आह्वान करना चाहूँगी कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होकर और शिक्षा के माध्यम से इन सभी हक को पाने के लिए भरसक प्रयास करें और ज़रूरत हो तो बहुत दूर तक अपनी आवाज़ को ले जाएं। और सबको इतना कहकर मैं अपना आज का हुल दिवस का संदेश 2020 के 30 जून को देना चाहती हूँ। जोहार।